नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। आप लोगों को सामने जीमेल दिख रहा है, देखिए अच्छा से, उसका दोनों चोक ब्लॉक हो गया। इस बीमारी को बोलते हो क्रेजा। इस बीमारी बहुत ख़तरनाक बीमारी होता है दोस्तों। इस बीमारी होने से मुर्गा को कुछ भी नहीं दिखता, और बहुत सारे मुर्गा कुछ भी नहीं दिखेगा तो खाएगा कैसे, कुछ नहीं खा सकता। और आप इस टाइम आप मुर्गा को अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो वो मुर्गा धीरे धीरे सूख के मर जाएगा। देखिए इस वीडियो में आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगी, 3 दिन के अंदर ठीक करके इस मेल को, और कैसे ठीक करना है वो भी मैं बताऊंगी, और कौन सा मेडिसिन मैं यूज किया वो भी आप लोगों को बता दूंगी। इस बीमारी क्यों मेल को आता है मुर्गा को, और आने के पहले इसका सिम्पटम क्या है, मैं सब कुछ आप लोगों को बता दूंगी इस वीडियो में। मेरा आप लोगों के पास एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, मुझे वीडियो लास्ट तक देखिए बिना स्क्रिप्ट करके। आप लोग लास्ट तक देख लीजिए, और इसके बाद आप लोगों का एक भी मुर्गा नहीं मरेगा दोस्तों। आप लोगों को सब कुछ पता हो जाएगा, कैसे कैसे ट्रीटमेंट मैंने किया, कैसे खाना खिलाया, सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। देखिए दोस्तों, इसका इस बीमारी होने का बहुत सारे कारण होता है दोस्तों, सुन लीजिए। आप जिस घर में मुर्गा को रखते हो उस घर आप लोग को अच्छा से क्लीन करना पड़ेगा। अच्छा से क्लीन नहीं करोगे तो इस बीमारी से आपका मुर्गा आ सकता है। और आप जो मुर्गा को खाना देते हो, पानी देते हो, उस पात्रों को आपको अच्छा से क्लीन करना पड़ेगा। और आप जिस पात्र में पानी दोगे वो पर डे आपको क्लीन करके पानी देना पड़ेगा। सड़ा हुआ पानी जब इस मुर्गा खाएगा तो इस बीमारी आ सकता है। इस बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा आता है दोस्तों बरसात के मौसम में। देखिए दोस्तों, आप ज़मीन पे छोड़ के रखा मुर्गा को, और बरसात में आप बरसा आ गया, मुर्गा भीग गया, और तो भी आ सकता है। और बरसात के मौसम में क्या होता है दोस्तों, बहुत कीड़ा मकड़ा खाता है मुर्गा, और सड़ा हुआ जो बरसात होने से सड़ा हुआ पानी जमता है उस पानी को खा लेता है मुर्गा, इससे भी इस बीमारी आ सकता है दोस्तों। और बहुत सारे सिम्पटम है, जिस टाइम इस बीमारी आएगा आपका मुर्गा स्लो हो जाएगा, मतलब ज़्यादा फुर्तीला नहीं रहेगा, थोड़ा इधर उधर बैठा रहेगा, और आस्ते आस्ते उसका फुल फ्रेश फूलना शुरू हो जाएगा। पहले एक साइड फूलेगा, फिर और एक साइड फूलेगा, ऐसे करके दो साइड फूल के दोनों आइस ब्लॉक हो जाएगा। और दोनों आइस जब ब्लॉक हो जाएगा तो उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, और वो खाना खा नहीं पाएगा, ऐसे आस्ते आस्ते करके सुखा के मर जाएगा। इस बीमारी से आपका मुर्गा को ठीक करना है। देखिए दोस्तों, मैं जिस मेडिसिन आप लोगों को, ज़्यादा कुछ मेडिसिन नहीं लगेगा दोस्तों, थोड़ा कुछ मेडिसिन आप लोगों को प्रयोग करना पड़ेगा, और कैसे देना है यही मेन टॉपिक होता है दोस्तों। इसलिए मैं जिस मेडिसिन आप लोग को दिखाऊंगी, जैसे जैसे आप लोगों को बताऊंगी जो ऐसे देना है, आप लोग दीजिए, आपको एक भी मुर्गा नहीं मरेगा। देखिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ मेडिसिन नहीं लगता इस बीमारी से, लेकिन इस मेडिसिन को कैसे आपको यूज करना है यही मेन टॉपिक होता है। इसी जो दिख रहा है आप लोगों को सामने, मेरा मानना जितना कम मेडिसिन में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है वही में अच्छा ही है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये है ओलमक्स 500 mg का कैप्सूल है, अच्छा से देख लीजिए, ओलमक्स 500 mg का कैप्सूल है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। और ये है ब्रोटोन, ये ब्रोटोन तो आप लोग सभी जानते हो, जो ब्रोटोन लिवर टॉनिक, ये है ब्रोटोन
लिवर टॉनिक। इसका प्राइस अभी हो गया 83 रुपीज़। न्यू माल है दोस्तों। और यह है आइस ड्रॉप। आइस ड्रॉप आप लोगों को रखना, इस बीमारी में ज़रूर यूज करना है। कोई भी आई ड्रॉप चलेगा दोस्तों, जो कोई आई ड्रॉप चलेगा। ये खाली एक बोतल ले लिया मैंने इस मेडिसिन के मिस्ट करने के लिए। देखिए वाइमॉक्स 500 mg का बड़ा मेल है और मैं सुबह इसका पाउडर बार करके अर्धक दूंगी प्रोटोन के साथ, और शाम में खाना खा लेगा जब तब अर्धक देंगे। देखिए इस बोतल से मैंने, इस ड्रॉप से मैंने थोड़ा पानी ले लिया पहले, और पानी लेने के बाद मैंने वाइमॉक्स 500 को अर्धक किया और अर्धक ले लिया, और ब्रोटोन 10 फंटा दे दिया इसके अंदर, और अच्छा से मिस्ट करके मैंने पहले सुबह खाना मुर्गा को खिलाने के बाद खिला दिया, और दोनों आँखों में आई ड्रॉप छोड़ दिया। ये आप लोगों को सुबह करना है, और शाम सेम ट्रॉपिक आप लोगों को शाम भी करना है। देखिए, और जो सुबह अर्धक दे दिया कैप्सूल का, और अर्धक शाम में थोड़ा सा पानी के साथ अर्धक पाउडर मिक्स करके, और उसके साथ ब्रोटन 10 फोटा नहीं देना का, अभी मैं दूंगी 8 फोटा, अच्छा से मिक्स करके खिला देगा, और दोनों आइस में आप लोग ऐसे करके ड्रॉप दे दिए। ऐसे करके आप लोगों को 3 दिन तक इस मेडिसिन देना है। देखिए दोस्तों, और 3 दिन से 4 दिन भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके ज़्यादा और नहीं देना। ये मेडिसिन यूज करने का पहले का फुटेज है, और आप लोगों को मेडिसिन यूज करने के बाद फुटेज मैं दिखा रहा हूँ। इस टाइम जो फुटेज आप लोग देख पा रहे हो, ये मेडिसिन यूज करने के बाद मेरा मेल अभी ठीक हो गया फुल। और ऐसे अच्छा अच्छा वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। मेरा चैनल के नाम है दीपक हासिल फार्म वेस्ट बंगाल। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए।